लिखो लिखो कि प्रिय वो उसका नाम। लिखो कि आज बादल सुनाई दे रहे, जो तुम्हें पसंद थी गड़गड़ाहट, अब वो मुझे भी पसंद है। और गड़गड़ाहट मतलब मिट्टी तैयार होगी और केंचुए कसमसा रहे होंगे, सफेद परिंदे बेचैन क्योंकि बादल गड़गड़ा रहे हैं। ये चिट्ठी फूल होता ना कमल का, तो परिंदे इसमें का हर प्रिय हर मेरी नोच निकालते और फिर दूर ले जाते। जहां बर्फ जमा ताल है, वहां कोई और जाता नहीं, अपने सैनिक भी नहीं। वो सफेद परिंदा है, बादल काला और परिंदा सफेद। मैंने शायद देखा। अच्छा, आज धूप नहीं है, गली के कुत्ते गिलहरी पकड़ रहे हैं, मुझे बादल सुनाई दे रहे हैं सखी। और वो कहता है जब हम जवान थे, जब हम जवान थे वो और मैं रात भर जगते थे बादल सुनने। वो बादल सुनती, मैं उसे सुनते सुनता, मैं भूत की कहानियां सुनाता था। छत से जहां पानी टपकता, वहां हम बाल्टी लगाते नीचे। उसे गड़गड़ाहट पसंद थी, मतलब पसंद है। मिलो तो बताना उसे कि एक सफेद परिंदा तुम्हारे पीछे उसके घर तलक आया है। कहना कि छत पे अब भी खड़ा पर हिला रहा है, कि जा नहीं रहा, कि इसका मतलब है कि वो सफर पे जाएगी जल्दी ही, कोई दूर जगह, टूनीशिया, इस्तांबुल, दूर। उसको दूर सफर पसंद है। वो पूरा यकीन करेगी नहीं, मगर थोड़ा तो करेगी। और देखना खूब जोर हंसेगी। लिखो बादल, बादल लिखो ये। अच्छा, असल औरत शहर है, सच। तुम 1 दिसंबर दो, वो धूप अन्यारा देगी तुम्हें। धूप दो तो अमलतास देगी। विशाल बादल भेजो उसे, कोई 20-21 साल का छटा, अपनी बाइक पे यूं झुका और गाढ़े घने भाए, तेज तेज और तेज। आ, वो देगी तुम्हें परसों की बरसा इकट्ठा, सारे दिन का हंसी ठट्ठा। फिर उसने अपनी पैंट की जेब से एक सिकुड़ी सिगरेट निकाली, दाहिनी जेब से, और बाएं से माचिस। हाथ कांप बहुत रहे थे, कुछ वक्त लगा जलाने में, और फिर वो तसल्ली से सिगरेट पीने लगा। मैं चिट्ठी पे लगा था। वो बोला, बबुआ जब निकलोगे ना, उस पे क्या कहते हैं उसको, हवा पे, कनॉट प्लेस, अंधेरा पड़ जाएगा सारा। हाँ, और वो समझ जाएगी इसका मतलब सेंट्रल पार्क के चक्कर लगा रहे हो तो। ये बादल ऐसा है, जल्दी निकलता है और वोल्गा में शराब पीता है। जगह अच्छी है, विशाल खिड़कियां हैं, और जब बारिश पड़ती है बाहर, गिरने तलकती हो, तकते रहो खिड़की के शीशों पे, तरकता पानी शाम भर। मैंने उससे पूछा, ये टूनीशिया कहाँ पड़ता है?
वो दहाड़े मार हंसा, धुएं पर हाथ मारता खांसता और बालकनी की ओर इशारा करते फिर खिचखिचाया, उधर को है। और ठीक तभी आकाश चिर गया सारा, बिल्कुल दिवाली मेले की तरह। और पार्क में के सारे बच्चे सारी लड़कियां भागी पेड़ों की ओर। आई खुशबू सूंघो तो, गन्ने छू के आया है, 500 मील 600 मील इतनी दूर से कहीं, और तुम फिर भी पूछ सकते हो अगर सूंघो तो कि कितने जहाज इसके अंधेरे से होके निकले हैं। वो जो छत पे लोग हैं ना शुक्रवार रात के नशेड़ी, वो सूंघ लेते हैं इसे। आदमी बस गाते हैं पर उनकी तर्रार औरतें अवाक नजर पर तकती हैं, बादलों को धीरे धीरे ले जाते ऊंची इमारतों की दूर छतें और शहर का आकाश बदलते। उन मछुआरों की झुर्राई आंखें थी जिनसे सीखा मैं। अच्छा साल था वो यारडा में, एक और पहाड़ और एक और समंदर, और मुझे बादल पढ़ना सिखाया उन्होंने जैसे औरत आदमी पढ़ती है। तुम नहीं बता सकते पर मुझे पता है, इन बादलों ने दूर देखा है। इंद्रधनुष इतने दुर्लभ जितनी खुशी, इंद्रधनुष जैसे प्यार में खींचता औरत की पीठ का मेहराब, और इस बादल पे खींचा तो ये जैसे कोई काला बदन आदमी जिसकी देह मोर पंख गुदे हों जगह जगह।